हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस साधना। यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2022 का एग्ज़ाम होगा आपका अगस्त 2022 में। तो ये राइट टाइम है आई थिंक करंट अफेयर को स्टार्ट करने का, और इस कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज के थ्रू हम करंट अफेयर कवर करने की कोशिश करेंगे पेपर वन के लिए और पेपर टू के लिए। दोनों ही पेपर्स जो हमारे होते हैं उनके लिए करंट अफेयर को कवर करने की कोशिश करेंगे। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि पेपर टू में करंट अफेयर कहाँ से आते हैं। पेपर टू में जो भी ऐसे के टॉपिक्स होते हैं, जैसे ही आप करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें अपने ऐसे में डालते हैं, तो ऐसे की जो वैल्यू है वो आपकी बढ़ जाती है। जो भी आप आंसर लिख रहे होते हैं उस आंसर की वेटेज जो है वो बढ़ जाती है, उसका वजन बढ़ जाता है। आपकी नॉलेज के बारे में जो भी एग्जामिनर के ख्याल होते हैं, जो भी थॉट्स होते हैं, वो थोड़े से बेटर हो जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे जिस भी टॉपिक को हम कवर करें उसे हम पेपर वन एंड पेपर टू दोनों ही पेपर को फोकस करके कवर करेंगे। ये पार्ट वन है इस सीरीज का। पहले आप ऐसे देखिए, उसके बाद आप जज कीजिए कि आपको ये सीरीज फॉलो करनी है या नहीं करनी है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कीम्स जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं उनको कवर करूँ। जो भी नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के करंट हैपनिंग्स हो रहे हैं, एग्ज़ाम से रिलेवेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो जैसे सबसे पहले आप देखिए कि कन्या शिक्षा पर्व उत्सव जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा एक नेशन वाइड कैंपेन के तरह चलाया गया, और ये कैंपेन जो है लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल वीमेंस डे के दिन, जो कि 8 मार्च को होता है। और इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, जैसे कन्या शिक्षा पर्व उत्सव है तो शिक्षा आ गया, तो इसका मतलब एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है इसमें शामिल होनी चाहिए। अगर कन्या से रिलेटेड है, फीमेल से रिलेटेड है, वीमेन से रिलेटेड है, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी शामिल होनी ही चाहिए। तो दोनों ही मिनिस्ट्री शामिल है, ये रन कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पार्टनरशिप करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ में। क्योंकि कन्या शिक्षा प्रवेश मतलब कन्याओं का शिक्षा में प्रवेश करने के लिए जो कैंपेन है ये शुरू किया जा रहा है। चीफ गेस्ट जो रही यहाँ पर वो रही थी श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी, जो कि मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैं। इस कैंपेन का उद्देश्य ये है कि जो भी आउट ऑफ स्कूल एडोलसेंट गर्ल्स हैं 11 से 14 वर्ष के बीच में, उनको वापस लेकर आना, और उनका जो नंबर है वो है अराउंड 4 लैक्स। वापस लेके आना, कहाँ लेके आना, इनटू द एजुकेशन सिस्टम, जो कि एजुकेशन सिस्टम से निकल चुकी हैं, स्कूल से बाहर जा चुकी हैं 11 से 14 वर्ष के बीच की जो भी बच्चियाँ हैं उनको एजुकेशन सिस्टम में वापस लेके आना इस कैंपेन का उद्देश्य है। ये किस तरीके से काम करेगा, ये वर्क करेगा एक कंप्लीट सिस्टम की तरह, जो भी आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स हैं उनको वापस लाने के लिए, जो भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं प्रोग्राम्स हैं उनको ये बेटर करेगा, उनको स्ट्रेंथन करेगा। जैसे स्कीम्स फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, उनको आंगनवाड़ी के साथ जो भी काम करके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो चल रहा है उसके साथ काम करके, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ काम करके, तो इन सभी को एक साथ लेकर आएगा ये। जो भी मिनिस्ट्रीज हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी स्टेट्स हैं, उनको एक साथ लेके आएगा, उनको कन्वर्ज करेगा, उनके बीच कोऑर्डिनेशन बिठाएगा, जिससे कि स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया जा सके अच्छे तरीके से, और जो भी आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स हैं उनको वापस लाकर उन्हें फिर से एजुकेशन सिस्टम में लाया जा सके। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो मैंने बता ही चुका हूँ कि वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, और उसने पार्टनरशिप की है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ में। ये जो कैंपेन है ये एक पार्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो भी कैंपेन है उसी का, ये जो प्रोजेक्ट है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी प्रोजेक्ट के एक पार्ट की तरह इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। डेमोक्रेसी से रिलेटेड दो रिपोर्ट्स जो हैं वो जारी की गई हैं, दोनों के बारे में जानकारी देता हूँ आपको। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 इसे रिलीज किया गया है वी डेम इंस्टीट्यूट एट स्वीडन्स यूनिवर्सिटी ऑफ गोटेनबर्ग के द्वारा। वी डेम की फुल फॉर्म है वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन एक और रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है जिसका नाम है ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021। ये जो रिपोर्ट है ये जारी की गई थी इंटरनेशनल आइडिया के द्वारा। आइडिया की फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। दोनों ही रिपोर्ट अलग हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 के बारे में, जो कि वी डेम के द्वारा रिलीज की गई है, और इस रिपोर्ट का टाइटल है डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। इंडिया की जो रैंक है वो रही है 93rd लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में वी डेम रिपोर्ट की अकॉर्डिंग। ये जो रिपोर्ट है किसी भी कंट्री को 4 रिजिम में क्लासिफाई करती है। किस तरीके से क्लासिफाई कर सकती है, मतलब जो भी कंट्रीज होंगे उनको एक टैग देगी ये। लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स के स्कोर के बेस पर ये जो टैग वो दिया जाता है, तो हमको भी याद रखना है कि लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में क्या रैंकिंग है इंडिया की, या फिर टॉप किसने किया, वर्ल्ड में क्या प्रस्पेक्टिव है लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स से रिलेटेड। तो लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये कंट्रीज को 4 टैग देता है। कौन कौन से, एक तो लिबरल डेमोक्रेसी,
एक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी एंड क्लोज्ड ऑटोक्रेसी। इंडिया को जो इसने टैग दिया है वो दिया है इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी का, और किस तरीके से ये मैटर करता है ये भी जानेंगे। लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है दो तरीके के एस्पेक्ट्स को कैप्चर करता है, एक तो लिबरल एस्पेक्ट्स हो गया और एक इलेक्टोरल एस्पेक्ट्स हो गया। लिबरल एस्पेक्ट्स में जो शामिल हैं चीज़ें वो हैं इंडिविजुअल एंड माइनॉरिटीज़ के राइट। इलेक्टोरल एस्पेक्ट्स में जो चीज़ें शामिल होती हैं वो होते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स दोनों ही चीज़ों को कवर करता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को, साथ के साथ इंडिविजुअल एंड माइनॉरिटीज़ के राइट्स को भी। ये जो है 71 इंडिकेटर्स पर बेस्ड होती है रैंकिंग, जिसमें लिबरल कंपोनेंट इंडेक्स भी शामिल होता है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स भी शामिल होता है, लेकिन हमारा फोकस क्या है, लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स पर, जिसके बेसिस पर क्लासीफाई किया जाता है कंट्रीज़ को। लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की तो रैंक हमने देख ही लिया कि इंडिया की रैंक रही है 93rd, लेकिन टॉप जो किया है वो किया है स्वीडन ने, स्वीडन की रैंक रही 1, सेकंड जो रहा है डेनमार्क रहा है, थर्ड जो रहा नॉर्वे, फोर्थ रहा कोस्टारिका और फिफ्थ रैंक रही है न्यूजीलैंड की। इंडिया की रैंक जो है 93rd रही है लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में, जो कि बॉटम 50% जो भी कंट्रीज़ में उनमें शामिल किया गया है इंडिया को, लेकिन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में फर्दर स्लिप होगी, इंडिया की रैंक 100 है। डेलिबरेटिव कंपोनेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 102 है, लेकिन आपको जो याद रखनी है वो रखनी है लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स की रैंकिंग, और ये डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग है, जो कि वी डेम के द्वारा पब्लिश की जाती है। ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उस पर जो भी नेशनल वाटरवे है उसे हम कहते हैं नेशनल वाटरवे 2, उसे नेशनल वाटरवे 2 के नाम से जानते हैं, और जो गंगा रिवर है उस पर जो वाटरवे है उसे हम नेशनल वाटरवे 1 के नाम से जानते हैं। रिवर जो गंगा है उसका नेशनल वाटरवे 1 जो है उसमें गंगा, भागीरथी और हुगली, ये तीनों ही रिवर को शामिल किया गया है, और ये हल्दिया से लेकर इलाहाबाद तक जाता है। ब्रह्मपुत्र रिवर पर नेशनल वाटरवे 2 है। नेशनल वाटरवे 1 को आप इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ तक जाएगा नेशनल वाटरवे 1 और ये है नेशनल वाटरवे 2। क्या रिपोर्ट है, क्या न्यूज़ है इस बारे में, एक वेसल है, एक शिप है MV लाल बहादुर शास्त्री, जो कि इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का वेसल है। इसने क्या अपनी जर्नी स्टार्ट की है बिहार के पटना से, और ये गया है पांडू पोर्ट तक। पांडू पोर्ट जो है ये आसाम में है। अब ये सिग्निफिकेंट नहीं है कि ये बिहार से लेकर आसाम तक गया है, इसने जो रूट जो है लिया है वो सिग्निफिकेंट है। ये बांग्लादेश से होकर गया है, ये जो वेसल है MV लाल बहादुर शास्त्री, ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गया है कि किस तरीके से हम मेनलैंड इंडिया से और नॉर्थ ईस्ट की तरफ शिप्स को भेजेंगे वाटरवेज के थ्रू, क्योंकि वाटरवे क्या है, वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट जब हम करते हैं तो वो काफ़ी चीप होता है, वो काफ़ी इको फ्रेंडली रहता है। तो ये बांग्लादेश से होकर गया है ये शिपमेंट जो गया है, क्या रूट इसने लिया ये देखिए, ये शिप जा रहा है तो इस तरीके से इसने स्टार्ट किया है, यहाँ पटना से इसने स्टार्ट किया बिहार से, तो इस तरीके से कोलकाता हल्दिया वगैरह होते हुए बांग्लादेश से होते हुए, और फिर ये यहाँ से इसने रूट लिया, ये जो रूट लिया है ये लिया, और पांडू ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको दिया गया है आसाम में, ये दो रूट हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए बांग्लादेश से होकर, इसे आप देख सकते हैं। ये प्रोटोकॉल 1 रूट है और ये प्रोटोकॉल 2 रूट है, जो बांग्लादेश के साथ प्रोटोकॉल साइन किया है नॉर्थ ईस्ट के लिए शिपमेंट भेजने के लिए इंडिया ने। तो सबसे पहला शिपमेंट जो पहुंच गया है जो कि पटना से पांडू पोर्ट के लिए गया है, पांडू पोर्ट जो है आसाम में है, और नेशनल वाटरवे 1 और नेशनल वाटरवे 2 को हम डिस्कस कर चुके हैं, ये बांग्लादेश है, यहाँ पर ये कन्वर्ज होते हैं दोनों वाटरवेज जो हैं। इंडिया में अगर रिवर्स, कैनल्स, बैक वाटर्स, क्रीक, इन सब को शामिल कर लिया जाए तो नेविगेबल वाटरवेज जो हैं वो हैं अराउंड 14,500 किलोमीटर के, और इन वाटरवेज की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, ऑगमेंट करने के लिए, इनको और ज़्यादा नेविगेशनल बनाने के लिए जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट जो है नेशनल वाटरवे, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इंडिया का सबसे पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो है तमिलनाडु में सेटअप किया जा रहा है, और तमिलनाडु के जो पास में पाक वे है ना वहाँ पर यह सेटअप किया जाएगा। डुगोंग रिजर्व जो है गल्फ ऑफ मन्नार और पाक वे के बिटवीन सेटअप किया जाएगा, इसके बीच में सेटअप किया जाएगा, जो इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में है। इसकी लोकेशन हम देखेंगे, जैसे ये पाक वे है, इसे ये गल्फ ऑफ मन्नार है, और इसी के बीच में जो है ये डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो है उसे सेटअप किया जाएगा। ये अराउंड 500 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ होगा, और ये साउथ ईस्ट कोस्ट पर होगा तमिलनाडु के। डुगोंग जो है एक्सटेंशन के कगार पर हैं, और तमिलनाडु में अगर देखा जाए, तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है डुगोंग, तो स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, लेकिन फिर भी वहाँ पर लेस देन 100 डुगोंग जो हैं वो मिलते हैं। डुगोंग जो है गल्फ ऑफ मन्नार में भी मिलते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ में भी मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर काफ़ी कम संख्या में मिलते हैं, 1, 2, 4, 5 जो भी मिलते हैं, जो
स्टेट एनिमल है डुगोंग जो है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का। डुगोंग जो है उसे सी काउ के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं सी काउ के नाम से? क्योंकि डुगोंग जो है ये एक हर्बीवोरस मैमल है। मैमल है डुगोंग, डुगोंग मैमल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक मरीन मैमल है। क्योंकि ये कहाँ रहता है? ये सी में रहता है, सी में रहता है तो मरीन मैमल हो जाएगा। और अकेला ऐसा मरीन मैमल है जो कि सी ग्रास को खाता है। सी ग्रास को खाएगा या फिर वेजिटेशन होगी जो भी एक्वाटिक उसको खाएगा, इसकी वजह से ही इसकी जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है। क्योंकि सी ग्रास जो है वो अफेक्ट हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से इसका एक्सटेंशन हो रहा है। इसी वजह से इस पर्टिकुलर स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो इंडिया का सबसे पहला ओपन किया गया है तमिलनाडु में। ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है। इसका IUCN स्टेटस की बात करें तो वल्नरेबल है और IUCN की रेड लिस्ट में इसे शामिल किया गया है और ये सी ग्रास पर ही सर्वाइव करता है। इस पर्टिकुलर वीडियो का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं इस लेक्चर का, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा आपको CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2022 के क्रैश कोर्स का लिंक, जिसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से UPSC पैटर्न पर बेस्ड जो भी क्लासेस हैं उनके थ्रू कवर किया गया है सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिव वे में। हमने स्पेशल फोकस किया है आंसर राइटिंग सेशंस पर, जो कि वीकली प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि अलाइन करते हैं करंट अफेयर्स के साथ में। वीडियो सॉल्यूशन मिलता है आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का, जिससे कि आप ट्रेंड को समझ पाते हैं, ये समझ पाते हैं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। 250+ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। लाइव में क्या है, आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, इसी वजह से हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। आपको 40% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही इस कोर्स पर, लेकिन आपने ये वीडियो देखी है तो GET20 कूपन कोड का यूज़ करना। आप जो भी एग्जिस्टिंग डिस्काउंट होगा उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा इसी पर्टिकुलर कोर्स पर। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एंड्रॉइड ऐप का, साथ ही साथ इस पर्टिकुलर कोर्स का। जाइए, आप फ्री डेमो वीडियोस दिए हुए हैं, उनको आप देखिए, अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो एनरोल कराइए। अदरवाइज आपको कोई भी क्वेरी है 8477850042, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप कोई भी पर्टिकुलर सीरीज YouTube पर चाहते हैं CAPF के लिए, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे कह सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।